पैरा एशियन ओलंपिक में शानदार कारकर्दगी, नई हुकूमत की जानिब से चैंपियन खिलाड़ियों की कदरदानी, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में इनामात देने की तकरीब, बीच गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग और जूलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले इनाम भट्ट और बिलाल हैदर को 1-1 लाख रुपए के इनाम से नवाजा गया। नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पंजाब वुमेन हॉकी टीम को 50,000 रुपए का इनामी चेक दिया गया। सूबाई वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने मीडिया से गुफ्तगु में कहा कि पहली बार किसी ने पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की हौसला अफजाई की है। चार मुल्की कबड्डी मुकाबले मुख्तलिफ शहरों में करवाने जा रहे हैं। चार पांच मुल्कों की आ रही हैं कबड्डी की टीम्स, इंडिया की टीम है उसमें, ईरान की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, उनकी अभी हम सिक्योरिटी क्लियरेंस ले रहे हैं और वो भी हम अपने पंजाब के तमाम शहरों में, उसमें जनूबी पंजाब को भी हिस्सा देंगे, सेंट्रल पंजाब को भी हिस्सा देंगे, लाहौर ऑब्वियसली प्रोविंशियल हेड है हमारा, इधर भी वो मुकाबला जात होंगे। गोल्ड मेडलिस्ट इनाम भट्ट ने इनामी रकम मिलने पर लाहौर न्यूज का शुक्रिया अदा किया। सूबाई वजीर खेल ने पुराने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का भी अजम दोहराया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज।